क्षेत्र में देखा जाए तो एक और बात चल रही है कि बी टीम कहा जा रहा है एएम को, उसमें साधु यादव को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ये भी तो राजनीति बी टीम है ना। आप लोग जो बात बोलते हैं मालिक मानते हैं, अब बाकी पार्टियां पार्टी को मालिक मानती है, हम जनता को मालिक मानते हैं, तो फर्क है। लेकिन साधु जी कड़ा सवाल ये है कि आजकल देखा जाए तो केंद्र में हुई राज्य में जाति बेस वोट ज्यादा हुआ है, हिंदू मुस्लिम की बात हो गई है, तो लोग जाति बेस और हिंदू मुस्लिम न छोड़कर वोट क्यों करेंगे? अभी बिल्कुल आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप जो सेकंड किया उसको बी टीम बोल रहे हैं, तो जनता को गुमराह मत करिए, हमारा राय मानिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज मोर में, हूँ आपके साथ यूनुस। बिहार का एक बड़ा चेहरा कह लिया जाए तो इसी उपचुनाव में सबसे बड़ा चेहरा देखा जाएगा तो साधु यादव जी हैं, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और ये काफ़ी जोरों से मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए गोपालगंज में जो इन्होंने कार्य को किया है धरातल पे, सांसद रहे हैं, कई से पद संभाला है इन्होंने और बिहार के राजनीति में तूती बोलता था इनका जब ये सरकार में थे और जब भी सत्ता में थे, इसी जिला से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके भांजे आते हैं और मुलाकात भी नहीं करते हैं और कटाक्ष करते बहुत कुछ बात यहाँ से कह जाते हैं। हम जानेंगे काफ़ी इनका सुर्खियों में रहता है, क्या चल कैसे चल रहा है सर आजकल कंपेनिंग? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है कंपेनिंग। जानना चाहेंगे सर पार्टी के बेस पे वोट आप इकट्ठा कर रहे हैं या यादव समाज की इकट्ठा कर रहे हैं वोट आप? नहीं नहीं देखिए इसका सवाल कहीं नहीं है, ये हम लोग विकास के मुद्दा पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और गोपालगंज को विकास चाहिए और यहाँ के लोग विकास को अपना रहे हैं, यही मुद्दा है। तो साधु यादव जी इतना कार्यकाल में विकास किए, क्या तीन साल में उसको फिर एक मरतबा पहचान दे पाएंगे? तीन साल अभी कहाँ हुआ, तीन साल है इस चुनाव के जीतने के बाद, तीन साल ठीक है, वो तीन साल है बचा हुआ, इसी तीन साल में विकास को हम दिखाएंगे, इसी तीन साल में। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन साधु यादव कहाँ देखते हैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब कि चुनाव जीते नहीं है, एक तरफ पूरा केंद्र के मंत्री लगे हुए हैं तो बिहार के मंत्री एक तरफ लगे हुए हैं, साधु यादव अकेले, एक सदमान भाई जो कि बड़ा चेहरा है गोपालगंज, हमारे यहाँ जनता हमारे साथ है और जनता चुनाव लड़ रही है, एक एक नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक हमारे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, हम अकेले कैसे हैं, जनता हमारे साथ है, हम जनता के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, सभी धर्म मजहब के जनता हमारे साथ है। लालू यादव सिंगापुर से संदेश भेज रहे हैं तेजस्वी यादव से कि कह दीजिए गोपालगंज वाले लोगों से कि एक मरतबा हम नहीं है तो क्या, लेकिन हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे, तो गोपालगंज की तो साधु यादव भी ना है। नहीं नहीं मैंने सवाल उसका नहीं है, कौन कहाँ क्या भेज रहे हैं नहीं भेज रहे उस पर बन जाइए, यहाँ की जनता को अगर आप लोग दिग्भ्रमित करेंगे तो यहाँ का विकास ठप हो जाएगा, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सम्मानपूर्वक कि आप लोग कहीं मत घुमाइए किसी को, हमारी जनता विकास चाहती है और विकास सिर्फ हम ही दे सकते हैं यहाँ गोपालगंज में, बाकी जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें कोई प्रत्याशी का आप उठा कर चेहरा देख लीजिए, हम MP भी रहे, MLA भी रहे, MLC भी रहे, 4 टाइम मेंबर रहे और हमने जो काम किया हम अपने श्रद्धा और लगन से किया, बहुत MP MLA हैं तो काहे नहीं कर दिए विकास, जो लोग बोलता है तो बहुत आज भी MP MLA हैं क्यों नहीं विकास करते, विकास तो हो रहा है ना पूरा बिहार, क्या में विकास कर रहा है कौन बताइए ना, विकास कौन चीज का विकास होता है, विकास देखना भी चाहिए ना, विकास दिखाई भी देना चाहिए ना, हमारा दस्तावेज बोलता है और धरातल पर जो बना है वो दिखाई देता है जमीन पर और कागज में दस्तावेज है तो बाकी का अगर है तो निकालिए दिखाइए, इसलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, हमारी जनता जो है सभी सद्भावना बना करके चल रही है, यहाँ किसी प्रकार का कोई बात नहीं है, विकास ही मुद्दा है और विकास पर ही चुनाव होगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। गोपालगंज जनता मूड बना ली है? जनता मूड बना लिया है और जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता पर पूरा मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस बार की जनता सिर्फ हाथी को अपनाएगी, इंदिरा यादव को अपनाएगी और विकास को अपनाएगी। सर थोड़ा सा कड़ा सवाल है कि आपने चुनाव न लड़कर मैडम को क्यों मतलब मैदान चुनावी मैदान में उतर, वो नहीं महिला है, महिला से महिला को हमने देखा कि महिला है तो महिला को ही
सम्मान मिलना चाहिए। क्षेत्र में देखा जाए तो एक और बात चल रही है कि बी टीम कहा जा रहा है एएम को, उसमें साधु यादव को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ये भी तो राजनीति बी टीम है ना। आप लोग जो बात बोलते हैं बी टीम का, तो हम सेकंड पार्टी हैं, बीजेपी से सेकंड हम पार्टी हैं, तो बी टीम कैसे हो गया आप ही बताइए। आप जो लोग बोल रहे हैं बी टीम, तो उनसे पूछना चाहिए कि आप तो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ कहाँ थे, आप तो थे भी नहीं। तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप जो सेकंड किया उसको बी टीम बोल रहे हैं, तो जनता को गुमराह मत करिए, हमारा राय मानिए। जनता को जो गुमराह करता है वो फंस जाता है, और जनता हमारी जो है बहुत समझदार जनता है, समझती है कि हमको कहाँ देना है, किसको देना है, कौन पार्टी को देना है, जनता को सब कुछ पता है। और जो विकास की जनता चाहती है कि विकास हो, तो जनता विकास पर जाएगी न कि विनाश पर जाएगी। आपके कार्यकाल से लग रहा है कि जब का कार्यकाल समाप्त रहता है आप, उसके बाद से गोपालगंज में विकास स्थगित हो गया है क्या? बिल्कुल विकास का नहीं, आप देख लीजिए, अगर हुआ हो तो फिर हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमने जो काम किया विकास का आप गिना देंगे तो आप विकास पूरा दिखता है चारों तरफ। हाँ, मेरा चारों तरफ विकास है, हर सेगमेंट में विकास है, हर विभाग में विकास है, रोड में विकास है, पुल पुलिया में विकास है, पावर में विकास है, शिक्षा में विकास है, स्वास्थ्य में विकास है, सभी लाइन में हमारा विकास है। लेकिन साधु जी, कड़ा सवाल ये है कि आजकल देखा जाए तो केंद्र में हुई राज्य में जाति बेस वोट ज़्यादा हो गया, हिंदू मुस्लिम की बात हो गई है, तो लोग जाति बेस और हिंदू मुस्लिम न छोड़कर वोट क्यों करेंगे? अभी बिल्कुल यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू भोजन करेंगे तो क्या आपके पेट में चला जाएगा, और आप भोजन करेंगे तो उनके पेट में चला जाएगा क्या? ये ऐसा नहीं होता है। विकास होगा तो सबको तरक्की होगा, अब विकास नहीं होगा तो सबका तरक्की रुक जाएगा। चलिए चलते चलते गोपालगंज में कौन सा विकास है जो कि आपके नज़र में होना पहला जरूरी है? जितने पहले यूनिवर्सिटी बनाना यहाँ के छात्रों की मांग है, बिल्कुल ये मांग है, चूँकि चार साल जो तीन साल में बीए का परीक्षा का रिजल्ट होता है वो 7 वर्ष में हो रहा है, 4 साल उसका ऐसा ही ख़त्म हो जा रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, इस पर कहाँ किसी का दिमाग है, कहाँ ध्यान है? इस पर ध्यान हमारा है। और यूनिवर्सिटी बनेगा तो यहाँ जो है जो बच्चा मुजफ्फरपुर या गोरखपुर जा रहा है दूसरे प्रदेश में, वो तो यहाँ रुक जाएगा गोपालगंज में, वो एमए की पढ़ाई शुरू हो जाएगी यूनिवर्सिटी बनने से। तो ये यहाँ जो लोग बाहर जा कर के पैसा खर्च करते हैं उसके बहुत कम खर्च में यहाँ बच्चा भविष्य अपना बना लेंगे, पढ़ लेंगे गोपालगंज में, गोपालगंज में। तो ये हमारा सोच है, ये हमारा विचार है। तो हमारा विचार और हमारा सोच जनता पर अगर जनता के सामने अगर सही है तो हमारी अर्जी या बाकी जनता के मर्जी। क्या कुछ अपील कीजिए गोपालगंज वासियों से, और साथ साथ चलते चलते कौन है लड़ाई में आपके? देखिए, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जनता माइंड मेकअप की हुई है, और जनता जो है सर्वोपरि है, हम जनता को ही मालिक मानते हैं, अब बाकी पार्टियां पार्टी को मालिक मानती है, हम जनता को मालिक मानते हैं, तो फर्क है। जनता मालिक है, जनता कब किसको बैठाएगी या कब किसको उठाएगी, कब किसको बैठा देगी, ये जनता ही करती है। तो जनता को हमारे विचार पसंद होगा तो हमें विकास पर अपनाएगी, और नहीं पसंद होगा तो फिर जनता जाने, जनता मालिक है। ईवीएम में क्रमांक सुन, कितना पड़े आपका नंबर? एक नंबर है हाथी छाप, एक नंबर हाथी छाप, तो एक नंबर होगा क्या लग रहा है 3 तारीख के बाद? अभी हम कैसे बोलेंगे, जनता मालिक है, जनता मूड बना ली है, हम कैसे बोलेंगे, जनता मालिक है, जनता को ही सब कुछ करना है, जनता को ही मत देना है, और जनता को हमारी बात पर भरोसा और विश्वास होगा तो फिर जनता अपनाएगी। तो चलिए, साधु यादव में काफ़ी नरमी से पेश आ रहे हैं, इनके बातों में देखा जाए शालीनता काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विकास हुआ है ना, अगर इनके क्षेत्र में घूमिएगा ना तो सब लोग भले कोई वोट दे या ना दे, लेकिन एक बात यहाँ पे ग्राउंड पे कर रहे हैं कि जो साधु यादव को दलवानु कोई नहीं है कहले जब ग्राउंड पर जाइएगा तो, लेकिन वोट कहाँ है देना है वो तो बात की बात है, जनता की मिजाज है। कहते हैं दुल्हा पसंद आएगी लेकिन शादी वहाँ पर नहीं होगा, शायद गोपालगंज में वही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।